नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे रीड शिक्षक भर्ती 2020 के सिलेबस पैटर्न को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी युवा काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हो और आप सभी में असमंज की स्थिति है कि इस बार सिलेबस क्या रहेगा, तो उसी को लेकर आज बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि संपूर्ण अपडेट हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, साथ ही रीड शिक्षक भर्ती जुड़ी पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी इस न्यूज को देख सकते हो। रीट मुख्यमंत्री गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 24 दिसंबर को की थी घोषणा और 2 अगस्त को कराएंगे परीक्षा। हेडलाइन इसकी यह है कि 45 दिन बाद भी सिलेबस से पद तय नहीं, असमंज में अभ्यर्थी अभी भी, और पूरी खबर जानेंगे उसके बाद में विस्तृत जानकारी की ओर प्रकाश डालेंगे। शिखर से ये प्रकाशित हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की घोषणा के बाद 45 दिन में रीट को लेकर सिलेबस और पद तय नहीं हुई है। ऐसे में अभ्यर्थी असमंज में है और मुख्यमंत्री ने 24 दिसंबर को घोषणा की थी कि 2 अगस्त का रीट एग्जाम कराई जाएगी, और सीएम की घोषणा के बाद बेरोजगार असमंज भी है कि एग्जाम की तैयारी पुराने सिलेबस के आधार पर की जाए या फिर विषय पर फोकस रखा जाए, इस संबंध में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए बेरोजगारों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल बेरोजगार ने 3 साल से अटके रीट एग्जाम को लेकर आंदोलन शुरू किया है, रीट का सिलेबस बदलने की मांग रखी और राज्य सरकार ने बेरोजगारों से जो बांट कर रीट सिलेबस में बदलाव की सहमति दी और तय हुआ कि लेवल 2 में स्नातक का 30% वेटेज सिस्टम खत्म किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए अलग से विषय का पेपर रखा जाएगा। लेवल 2 के पेपर में राजस्थान का सामान्य ज्ञान बढ़ाया जाएगा ताकि जो प्रदेश के अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिल सके। लेकिन इसके बाद रीट को लेकर क्वाद आगे नहीं बढ़ी और इसलिए बेरोजगार अभ्यर्थी में समझ बना हुआ है। अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे कि रीट पुराने सिलेबस में होगी या फिर नए सिलेबस को लेकर तैयारियां की जाएगी। असमंज से अभ्यर्थियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इन्होंने आंदोलन शुरू करने की चेताया है। मामले में राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव का कहना है कि रीट एग्जाम को लेकर विज्ञप्ति, सिलेबस पैटर्न और पदों विवरण जल्द जारी किया जाए। 10 दिन में सरकार सिलेबस पैटर्न जारी नहीं करती है तो बेरोजगार आंदोलन शुरू करेंगी। इसके बाद में एक और बड़ी खबर, अब तक 4 बार हुई है शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये बात अलग की है दोस्तों। मेन मुख्य बात ये है कि 45 दिन होने के बावजूद सिलेबस तय नहीं करना, कहीं ना कहीं सरकार की ये मनोदशा अलग ही इसमें दिखाई दे रही है और इससे युवाओं में ये निश्चित तौर पर गुस्सा बढ़ेगा। और यदि 10 दिन के अंदर ये नहीं होता है सिलेबस तय, तो बेरोजगार एक बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे और जिसका स्वे जो सरकार जिम्मेदार होगी, जिसमें जो भी कुछ होता है। तो दोस्तों, ये आज की अपडेट थी। वीडियो और अपडेट आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।